शारदाज वर्ल्ड, शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये ब्लॉग है ट्यूसडे मॉर्निंग का। मैंने पिछला ब्लॉग यहीं पे खत्म किया था। मैं चाय बना रही थी और आप सबसे बाय किया था, तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है। तो चाय उबल रही है, चाय को मैं छान लूंगी। और किचन थोड़ा सा मेसअप है क्योंकि मैंने अपनी हेल्पर को बुलाना शुरू कर दिया है आज से। तो मैंने रात को किचन साफ नहीं किया था, थोड़ी देर में वो आएगी फिर किचन को साफ करेगी, तो प्लीज इग्नोर करना। तो बच्चों के चाय में मैं जैगरी पाउडर ऐड करूंगी। मैं और दिनेश जी ऐसे ही लेंगे क्योंकि आप सबको तो पता है अब आप सब भी मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके हो। शुक्र है आज से हेल्पर ने आना स्टार्ट कर दिया है, तो थोड़ी सी राहत है क्योंकि आज मार्केट भी जाना है, करवा चौथ की तैयारी भी करनी है थोड़ी बहुत। मैं कुछ ज्यादा नहीं करती हूँ, बस थोड़ा बहुत कर लेती हूँ और ज्यादा कुछ बनाती भी नहीं हूँ। तो थोड़ा बहुत जो मार्केटिंग करना है वो जाके लाना है। दिनेश जी ऑफिस जाएंगे, आप सबसे मैंने कल भी शेयर किया था, तो उनके साथ ही चली जाऊंगी और मैं वापस सामान लेके चली आऊंगी और दिनेश जी उधर से ही ऑफिस चले जाएंगे। तो जी चाय डन है, बिस्किट बादाम और खजूर के साथ। बच्चे बादाम और खजूर लेते हैं, दिनेश जी सिर्फ बादाम, मैं सिर्फ बादाम लेती हूँ और साथ में बिस्किट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और एक अच्छा सा वक्त स्पेंड कर रहे होंगे। तो मैं और दिनेश जी जा रहे हैं मार्केट। मैं मार्केट जा रही हूँ, दिनेश जी मुझे मार्केट छोड़ के ऑफिस चले जाएंगे। बच्चों को मैंने नाश्ता करवा दिया है। आज मैंने सिंपल सा ओट्स बनाया था, तो बच्चों ने नाश्ता कर लिया है और दिनेश जी भी नाश्ता कर चुके हैं। आजकल दिनेश जी लंच ऑफिस नहीं ले जाते हैं, ऑफिस में खाना नहीं खाते हैं क्योंकि दिल्ली में केसेस ज्यादा है, तो लंच टाइम में घर आ जाते हैं। और ये वाला मार्केट मेरे घर के बिल्कुल बगल में है, तो दिनेश जी मुझे छोड़ देंगे और आते टाइम में वापस आ जाऊंगी। वॉकिंग डिस्टेंस है, थोड़ा सा दूर है लेकिन हम चल के वापस आ सकते हैं। और उससे पहले दिनेश जी को गाड़ी में पेट्रोल भरवाना था, तो पहले वो पेट्रोल पंप पे गए और वहां से फिर मुझे वो शॉप पे छोड़ के चले गए थे। नॉर्मल काम सर, गाड़ी बंद कीजिए सर, गाड़ी बंद करिए। तो दिनेश जी ऑफिस जा चुके हैं और मैं सबसे पहले आ चुकी हूँ मेरी सिम के शॉप पे। मुझे बच्चों के लिए हॉर्लिक्स लेना था, चुन्नू और सांभवी दोनों हॉर्लिक्स पीना बहुत पसंद करते हैं बचपन से ही, तो शाम को ज्यादातर वो लोग एक कप हॉर्लिक्स पीते हैं, ओरिजिनल वाली बिल्कुल पानी में घोल के। थैंक यू। दिखाओ कैमरा, दिखा रही है वो वाला कितने का है? वो कलश है। हाँ कलश है ना, कितने का है वो? 60 रुपए का है। उसमें होल तो होगा ना? नहीं होल नहीं है। होल नहीं है, होल। अच्छा तो वो कितने का? ये हुँ? एक ये 50 के लग जाएगा। ये वाला दो, ये वाला दो, ठीक है ये वाला। हाँ हाँ एक बात नहीं बेटा, यहाँ से ले वहाँ से ले, बात तो बराबर है। अलग अलग है ना, तभी तो चिल्लाने किया था सर। दिया। 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 हाँ दिया दो दो। वो 30 के 12 और ये बड़े वाला ये 30 रुपए का है, वो 15 रुपए का है। और ये मीडियम, मीडियम वो 40 के 2 है। छोटा सा नहीं है क्लस में? छोटा नहीं है, बड़ा ही रहता है कलश तो। हाँ कलश तो बड़ा ही मिलेगा, छोटा मिलेगा, ले लो उनका तो ठीक लगा, तेरे से ले लूंगा। कौन कौन से चाहिए कलश? कितने का? ये दे दो मुझे छोटा वाला, कोई बात नहीं दे दो, वो ढक्कन के साथ। कितने
दोनों चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ये क्या, ये क्या है, ये इनके बड़सी है ऐसा वाला कलर ना, बिना छेद का, बिना छेद का। हाँ ये दोनों दे दो। हाँ, डिनर में आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। मैं एक सब्जी बनाती हूँ जिसमें खूब सारा दाल, चना और सब्जियों का मिक्स होता है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सब्जी की ये रेसिपी है। इसके लिए मैंने कुकर में पानी ले लिया और इसमें एक कप चना दाल ऐड कर दिया। चना दाल को एक से डेढ़ घंटे के लिए मैंने भिगो के रखा था और एक कप काला चना भी ऐड कर दिया, जिसको मैंने 7 से 8 घंटे के लिए सोक करके रखा था। चना दाल और काला चना ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें 2 कच्चा केला, 1 छोटा सा बैंगन, 2 आलू ऐड कर दिए हैं। आप अपने पसंद का कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हो, लेकिन जो सब सब्जी मैं ऐड कर रही हूँ उस कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है ये। और ये मैं उड़ीसा का फेमस घंटों तरकारी की रेसिपी आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो आलू ऐड करने के बाद मैंने परवल, सीताफल, रेड पम्पकिन और कच्चा पपीता ऐड कर दिया। फिर मैंने ग्रेटेड जिंजर, हरी मिर्च ऐड कर दिया और 2 टेबल स्पून मैंने तकरीबन इसमें ग्रेटेड कोकोनट ऐड कर दिया है, फ्रेश कोकोनट। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करना है और 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके इसको 4 से 5 व्हिसिल आने तक पका लेना है, या तब तक पकाना है जब तक सारी सब्जियां, दाल, चना अच्छी तरह से पक नहीं जाता। और ये देखिए मैंने सब्जी को बॉयल कर लिया है। आज के दिन मेरा फास्ट होता है तो डिनर नो ऑनियन नो गार्लिक बनता है मेरे घर। और दिन में मैंने आज कुछ खास नहीं बनाया था, बच्चों ने मैगी खा लिया था। और अब मैं इन सब्जी में एक तड़का लगाऊंगी। तो तड़के के लिए मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल ले लिया, उसमें 1 चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेजपत्ता ऐड कर दिया था, फिर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया और फिर इसमें 2 टमाटर का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया। और टमाटर के पेस्ट को 1 मिनट तक सौटे करने के बाद फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया और थोड़ी देर फिर मसाला के तेल छोड़ने तक सौटे कर लिया था। और फिर मैंने जो दाल सब्जी बॉयल करके रखा था इसको इसमें ऐड कर देना है। एक बार मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर ऐड कर दिया और 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, 4 से 5 ग्रीन चिली भी ऐड करना है। ग्रीन चिली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो। और ग्रीन चिली ऐड करने के बाद फिर ढक के सब्जी को स्लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक पका लेना है। और ये सब्जी स्टीम्ड राइस के साथ बहुत ही मजे की लगती है। तो चावल मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया है और थोड़ा सा पराठा भी बनाऊंगी क्योंकि दिनेश जी को पराठा बहुत पसंद है, तो सांभर भी पराठा सेक लेगी। सब्जी तकरीबन 5 मिनट से उबल रही है, अब मैं इसमें तड़का ऐड करूंगी। तो तड़के के लिए मैंने पैन में 1 टीस्पून घी ले लिया और उसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देना है। और जीरा जब क्रैकल हो जाएगा फिर थोड़ा सा हींग ऐड करना है। हींग ऐड करने के बाद गैस को स्विच ऑफ कर देना है और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर देना है और एक बार मिक्स कर लेना है। तड़का को सब्जी में ऐड कर दूंगी। तड़का ऐड करने के बाद सब्जी बिल्कुल डन है। लास्ट में कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देना है और साथ में मैंने थोड़े से गोभी का बचका भी फ्राई किया था। तो गोभी का बचका की रेसिपी मैंने कई बार अपने ब्लॉग में शेयर की हुई है। कुछ खास नहीं है, बस गोभी को ग्रेट करके इसमें चावल का आटा, नमक, हींग, कलौंजी, थोड़ा सा खसखस, हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स ऐड कर देना है और उसका पकौड़ा फ्राई कर लेना है। इधर गोभी का बचका फ्राई हो रहा है और साइड में सांभवी पराठा सिक रही है, तो एक साथ दोनों काम हो जाएगा। नॉर्मली ट्यूसडे को हम लोग दिन भर लाइट लेते हैं और रात को थोड़ा सा हैवी खाते हैं क्योंकि मेरा फास्ट होता है। तो बच्चे भी और दिनेश जी भी दिन में लाइट ही ले लेते हैं और रात को पूरा खाना बनता है। तो ये है आज की डिनर की थाली, राइस, घंटों तरकारी, गोभी का बचका, पराठा, पापड़ और साथ में एक एक मिर्ची फ्राई भी हमने लिया है।
हेलो फ्रेंड्स, और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो आप सबको हैप्पी करवा चौथ। और तकरीबन सुबह के 5 o'clock हो रहे हैं। सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ क्योंकि दिन भर का फास्ट है तो दवा नहीं खा पाऊंगी, तो सुबह सुबह मैं ब्लड प्रेशर का, थायराइड का दवा ले लेती हूँ। मैं सुबह सुबह चाय या कुछ खाने की चीज़ तो नहीं लेती हूँ, लेकिन दवा खाना होता है तो उठती जरूर हूँ। दवा खा के खूब सारा पानी पी लेती हूँ क्योंकि पानी मुझे ज़्यादा पीने की आदत है, तो दिन भर पानी के बिना रहना थोड़ा मुश्किल होता है। तकरीबन 2 o'clock हो रहे हैं तो थोड़ा सा मैं डिनर की तैयारी करके रख लूँगी, फिर मैं पूजा करूँगी। तो मैंने यहाँ पर भर के 1 कटोरा पालक ले लिया है और कुछ सूखे मसाले लिए हैं। 1 teaspoon धनिया, 1/2 teaspoon सौंफ, 1/2 teaspoon मेथी, 1/2 teaspoon काली मिर्च ब्लैक पेपर कॉर्न, 1 teaspoon कसूरी मेथी, 1 teaspoon रोस्टेड जीरा, 1 छोटा स्टिक दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग, 3 हरी मिर्च और 3 सूखी लाल मिर्च भी मैंने ले लिया है, 1 इंच अदरक ले लिया है, थोड़ा सा मैं नमक और काला नमक दोनों मिक्स करके ले लिया है, और 1 teaspoon मैंने यहाँ पर अमचूर पाउडर ले लिया है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैं एक पेस्ट बनाऊंगी। ग्राइंडर जार में सभी चीज़ों को ऐड कर दूंगी और एक पेस्ट बनाऊंगी। आज मैं एक स्पेशल वाली आलू की सब्जी आप सबसे शेयर कर रही हूँ जो पूरी के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। थोड़ा सा मैं हींग ऐड करूंगी और तकरीबन 1 tablespoon सरसों का तेल भी ऐड कर देना है और फिर एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। और पेस्ट बनाते टाइम ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। अब मैं पैन में सरसों का तेल ऐड कर दूंगी और इसमें 1 teaspoon जीरा और 2 तेज़पत्ता ऐड कर देना है। और तड़का ऐड करने के बाद जब तड़का क्रैकल हो जाएगा फिर इसमें थोड़ा सा तकरीबन 2 tablespoon बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता ऐड करना है। धनिया पत्ता ऐड करने के बाद तकरीबन 1/2 मिनट तक इसको सौटे कर लेना है और फिर इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और 1 teaspoon लाल मिर्च पाउडर। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने यूज किया है जो ज़्यादा तीखी नहीं होती है, बस सब्जी में कलर लाएगा। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद फिर मैंने जो पेस्ट बनाया था पेस्ट को ऐड कर देना है। पेस्ट ऐड करने के बाद पेस्ट को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से सौटे करना है। और चिन्नू के पेपर चल रहे हैं तो कल संस्कृत का है। हाय, तैयारी कर रही है। हॉर्लिक्स तो पी लो चिन्नू। हाँ, अभी पी लेती हूँ। सासुती को हॉर्लिक्स पीना बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा पसंद है, शाम को स्पेशली गर्मा गर्म पानी वाला, दूध में नहीं, पानी में ऐड करके हॉर्लिक्स, ओरिजिनल हॉर्लिक्स। नन्ही भी अपनी पढ़ाई में लगी हुई है। आजकल ये दोनों मेरी कोई हेल्प नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि संभवी का भी रोज क्लास चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा असाइनमेंट मिल रहे हैं तो वो भी बिजी है, और चुन्नू का भी पेपर चल रहा है तो सारा काम अकेले ही करना पड़ रहा है। Everyone. और अभी तक ये लोग नहाई नहीं है, 4 o'clock होने वाले हैं। सुबह से क्लास था, उसके बाद मैंने बोला ब्रेक में नहा लूं, तो नहीं काम में लग गई है, अब जाके नहाएंगे। तकरीबन 15 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मसाला को भूनने के बाद फिर मैंने इसमें ग्रेवी ऐड कर दिया था, और ग्रेवी ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का स्लरी भी ऐड किया है। मैंने 1 1/2 teaspoon कॉर्नफ्लोर को 1/2 cup पानी में अच्छी तरह से घोल लिया था और फिर सब्जी में ऐड कर दिया। थोड़ा सा पानी भी और ऐड किया था मैंने क्योंकि ये सब्जी थोड़ा सा पतला अच्छा लगता है, पतली ग्रेवी में अच्छी लगती है। और ग्रेवी ऐड करने के बाद फिर आलू ऐड करना है। यहाँ पर 3 बड़े आलू मैंने लिए हैं, उसको अच्छी तरह से मैश करके इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए, इस तरह से मैश करके ऐड कर देना है। बिल्कुल मैश नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा आलू भी दिखना चाहिए और थोड़ा सा मैश भी करना है। और आलू ऐड करने के बाद फिर इसको ढक के बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक पका लेना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाने के बाद ये देखिए सब्जी बिल्कुल डन है। तो अब मैं इसमें एक बार फिर से तड़का ऐड करूँगी। तड़के के लिए मैंने गैस पे पैन चढ़ा रखा है, इसमें मैं सरसों का तेल ऐड करूँगी। आप जो तेल खाते हो अपने पसंद का कोई भी तेल ले सकते हो,
हम लोग सरसों का तेल ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने सरसों का तेल लिया है और उसमें 2 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग मैंने ऐड कर दिया। और जब तड़का क्रैकल हो जाएगा फिर इसमें धनिया का पत्ता ऐड करना है, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, और 1 टी स्पून रेड चिली पाउडर। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और तड़का को सब्जी में ऐड कर देना है। ये तड़का मस्ट है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा सब्जी में। अब सब्जी बिल्कुल डन है, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देना है। एक बार फ्रेंड्स आप सब इस सब्जी को ट्राई जरूर करना, पूरी के साथ ये सब्जी ऑसम लगती है। साथ में मैंने आलू गोभी मटर की सूखी सब्जी बनाई थी और खीर बनाया था। खीर मैंने बिल्कुल हेल्दी वाली बनाई थी क्योंकि हम लोग ज़्यादा चीनी पसंद नहीं करते हैं और दिनेश जी भी डायबिटिक हैं, तो मैंने दूध में 2 गाजर और तकरीबन 150 ग्राम पंपकिन सीताफल बिल्कुल पका हुआ लाल वाला ग्रेट करके ऐड कर दिया था और 2 टेबल स्पून चावल, और उसको अच्छी तरह से पका लिया था। फिर मैंने इसमें इलायची पाउडर और थोड़ा सा 1 टीस्पून मेपल सिरप ऐड कर दिया। वैसे तो मेपल सिरप ना ऐड करें तभी खीर मीठा हो जाता है, क्योंकि रेड पंपकिन भी मीठा होता है और गाजर भी मीठा होता है, तो खीर मीठा हो जाता है। तो खीर भी डन है और मैंने पूरी का आटा भी ये देखिए लगा लिया है। खाना मैंने बना लिया है और तकरीबन तैयार भी हो गई हूँ। इस बार मैंने मेहंदी नहीं लगाई, मेहंदी के कीप रखे हुए हैं, देखते हैं रात तक अगर हो सका तो लगा लूंगी। सुबह से काम करने में बिजी थी तो लगा नहीं पाई हूँ। अभी नेल पॉलिश लगाना बाकी है, नेल पॉलिश लगाऊंगी फिर मैं पूजा करूंगी। और ये मैंने आज साड़ी पहनी ली है। ये है आज की डिनर की थाली, पूरी, आलू की सब्जी, गोभी मटर और खीर, साथ में लच्छे वाली मूली। सच में हलवा ऐसी बनी है, बहुत सुंदर बना है, औसम बना है ये आलू की सब्जी। फ्रेंड्स एक बार इस तरीके से ट्राई करके देखना, औसम बना है, औसम। पूरी के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही टेस्टी बना है। नहीं यो, सुपर टेस्टी, बहुत सुंदर, शादियों वाली सब्जी लग रही है। जैसे शादी में आलू की सब्जी मिलती है, जस्ट वैसा ही लग रहा है। शादी या किसी भोज में, हाँ, जो भोज मीन्स हम लोग के तरफ बिहार में दावत को भोज करते हैं, तो उसमें जो आलू की सब्जी बनती है उसी टाइप की लग रही है, मस्त। सच में मम्मा बिल्कुल शादी वाली सब्जी लग रही है, बहुत टेस्टी है। एक्चुअली में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, पूरी के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप सभी जरूर ट्राई करना, मस्ट ट्राई कॉम्बिनेशन है। आज का डिनर बहुत ही मजे का था, तो डिनर हमारा हो गया और सांभवी अभी ग्रीन टी बनाएगी। ब्लॉग किसी भी एंगल से अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, सबा खैर, टेक केयर और हैप्पी करवा चौथ आप सबको, बाय।